नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा धाम जहां के घाट से पानी लाकर चमत्कारी हनुमान जी के सामने रखने के बाद किसान अपने खेत के तीनों कोने पर छिड़क दे तो खेत में किसी भी प्रकार के कीट हो तुरंत खत्म हो जाते हैं। वहीं पशुओं की बीमारी भी रफू चक्कर हो जाती है। देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी के साथ चमत्कारी धाम और चमत्कारी पानी की वास्तविकता क्या है और धाम के महंत के साथ जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है। एक चमत्कारी धाम, एक चमत्कारी पानी, जिस पानी को खेत में जहां पर डालने पर जहां पर कीट नष्ट हो जाते हैं और वहीं पर पशु जो कि ठीक हो जाते हैं, कोई भी बीमारी हो इधर धाम के पानी पीने से पशु ठीक हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि उस धाम के पास लेकर चलते हैं जो कि बानपुर से 4 किलोमीटर दूर और वहीं पर ललितपुर से 34 किलोमीटर दूर जहां पर स्थित है धाम अजयपार धाम। हम आपको बता दें कि यहां का सिद्धि है जहां पर हनुमान जी की सिद्धि आ गया। हम आपको मंदिर में भी लेके चलेंगे और उसके बाद हम आपको उस पानी से भी आपको आमना सामना कराएंगे जिसके मात्र पानी से खेत में छिड़काव करने के बाद कोई भी कीट पतवार जो कि किसानों को परेशान करता है फसल में जो कि नहीं होने देता है, उन खरपतवारों और उन कीटों को नष्ट करने के लिए इसका पानी जहां पर दूर दूर से किसान आते हैं और अपने खेत पर ले जाते हैं छिड़काव के लिए। वहीं पर जहां पर पशुओं की बात करें तो पशुओं में कोई सी भी बीमारी हो यहां के पानी पीने से जहां पर पशु सही हो जाते हैं। हम आगे आपको लेके चलते हैं, यह आपको धाम दिखाना चाहेंगे क्योंकि जो बानपुर से कुल तीन से चार किलोमीटर दूर है और वहीं पर आपको उस मंदिर से भी आपको आमना सामना कराते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, वहां भी आपको लेके चलते हैं और अंदर से हम आपको दर्शन कराते हैं। इसके बाद चमत्कारी पानी, जो कि चमत्कारी पानी से भी आपको आमना सामना कराएंगे जिसके एक मात्र से ही कई दूरों पे से आए हुए किसान के खेत में जहां पर कीटों से मुक्ति जहां पर किसानों को मिलती है। मंदिर का जहां पर भगवान हनुमान जी विराजमान है उससे भी आपको आमना सामना कराते हैं कि जहां का तीर्थ स्थल, जहां पर हनुमान जी का तीर्थ स्थल कहा जाता है अजयपार धाम, यह हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर सिद्ध हनुमान जी का मंदिर वहां पे है और उसका प्रांगण जहां पर ललितपुर का तापमान 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन यहां पेड़ पौधों के कारण यहां के टेम्परेचर में गिरावट और वहीं पर 30 और 35 जहां पर तापमान यहां का अनुमान लगाया जा सकता है। यह हम आपको हनुमान जी का मंदिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, पास में हम आपको शंकर जी की दिखाना चाहेंगे जहां पर पीपल के पेड़ के बरगद के पेड़ के नीचे जहां पर शंकर जी विराजमान हैं। और इसके से आगे और लेकर हम आपको चलते हैं जहां पर सिद्ध स्थान, जहां पर श्री हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। सिद्ध स्थान जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि समय की बात करें तो अभी 3:32 हो गए हैं। यहां पर 5 बजे जहां पर मंदिर खुलेगा और यह वह तीर्थ स्थल है जहां से आगे की साइड लोग आते हैं और वहीं पर अपना मत्था टेकते हैं और फिर मत्था टेकने के बाद यहाँ के जल को लेकर खेत में छिड़काव करते हैं। वहीं पर आपको एक पेड़ दिखाना चाहेंगे जहां पर यहाँ पॉलिथीन बांधकर यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगते हैं यहाँ के लोग, जो कि अपनी पॉलिथीन मनोकामना के साथ बांधते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इसे खोलकर यहाँ पर चले जाते हैं। आगे की साइड हम उस पानी से भी आपको आमना सामना कराते हैं जो चमत्कारी पानी जिसको किसान अपने खेत पर ले जाते हैं और छिड़काव कर कीटों से मुक्ति पाते हैं। अजयपार धाम का हम आपको बताना चाहेंगे कि वह पानी, चमत्कारी पानी जिसको लेने के लिए दूर दूर से जहां पर किसान आते हैं अपने खेत में पानी डालने के कारण, जिसके कारण जहां पर कीटों की जहां पर भंबार हो जाती है जहां पर फसल में, उनसे निजात पाने के लिए यहां धाम पर आते हैं और यहाँ का चमत्कारी पानी ले जाते हैं। पीछे की साइड हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा जूम करके बताएं कि यहाँ ये वह चमत्कारी पानी और चमत्कारी घाट है। इधर से होकर यहाँ पर मंगलवार की बात करें और इतवार की बात करें, रविवार की बात करें तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से किसान यहाँ पर इस पानी को लेने के लिए आते हैं
और वहीं वह पानी दिखा चाहेंगे कि जहां पर चमत्कारी पानी, यह वह पानी है जिसको लेने के लिए किसान दूर दूर से यहां पर आते हैं। कुछ लोग यहां के रहने वाले हैं, उनसे भी जानते हैं चमत्कारी पानी का क्या रहस्य है। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद दीक्षित है। अच्छा आनंद दीक्षित जी, क्या रहस्य है इस धाम का और धाम के साथ पानी का? यहाँ पर जो हनुमान जी बब्बा का एक चमत्कारिक मंदिर इसको बोल सकते हैं, जो व्यक्ति जितनी भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ का जल ले जाता है तो वहाँ पे फसल में कीटनाशक दवाई का वो कार्य करता है और पशुओं को अगर कोई बीमारी होती है और श्रद्धा विश्वास के साथ वो पानी पिलाया जाए तो उन्हें भी तुरंत आराम मिलता है। अच्छा, क्या कौन से दिन आते हैं दूर दराज से जाने पर किसान यहाँ पर आते हैं श्रद्धा के साथ? और ज़्यादातर बुधवार और रविवार को यहाँ काफ़ी मात्रा में हजारों की संख्या में किसान आते हैं और जल लेके जाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जहाँ पर किसान आते हैं और वहीं पर जल लेकर अपने खेत की तरफ जाते हैं जिससे कि कीट यहाँ पर नष्ट हो सके। और वहीं पर हमारे साथ पत्रकार महोदय भी मौजूद हैं जो कि बानपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी जानते क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया, नमस्कार भाई। की क्या क्या धाम का क्या चमत्कारी एक धाम है? जैसा कि हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अजय पार धाम के बारे में कि इसका पानी जो है वो फसलों पे कीटनाशक का काम करता है और दूर दराज के गांव से और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और बोतलों में और कुपियाँ वगैरह कुप्पा बड़ी बड़ी कुप्पा लाते हैं, उसमें इस पानी को ले जाते हैं और जो जिस श्रद्धा भाव से ले जाता है उसका वो काम सफल होता है। और साथ ही आपको बता दें कि पशुओं में भी अगर कोई बीमारी है तो इसका पानी पिलाने से उसमें भी लाभ होता है, ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। जी जी, और कैसी भीड़ रहती है यहाँ पर? भीड़ तो यहाँ क्योंकि ये सिद्ध क्षेत्र है हमारे क्षेत्र का, तो रविवार और बुधवार के दिन यहाँ काफी मात्रा में श्रद्धालु जन आते हैं और यहाँ आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर रविवार और बुधवार की बात करें तो बुधवार और रविवार को जहाँ पर दूर दराज से किसान आते हैं इस चमत्कारी पानी को जहाँ पर अपने खेत में ले जाते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष चौरसिया नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मनीष जी जहाँ पर इस चमत्कारी पानी को लेने के लिए दूर दराज से जहाँ पर किसान आते हैं? जैसे आपको बता दें कि ये अजय पार धाम प्रसिद्ध धाम कहा जाता है। हम आपको बताएं, जब से हमने होश संभाला है, जब से जन्म लिया है, तब से इस धाम को ऐसे ही देख रहे हैं और यहाँ पे काफी दूर दूर से लोगों का आना होता है। जैसे आपको बता दें, यहाँ से कई दूर दूर के जिले से भिंड मुरैना काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे आपको बताएं, यहाँ की स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही आज ही देखी जा सकती है। जैसे काफी प्रसिद्ध मंदिर है, आपको बता दें, आप जैसे ही बानपुर से गुजरे होंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को जब दूर दूर से आते हैं और कहीं मिल जाते हैं, भैया जय पार गए थे, जैसे आपने देखा होगा काफी गंदगी का अंबार लगा हुआ, आप लोग आए भी होंगे और इसकी आवाज भी यहाँ के लोग कई बार अपने जनप्रतिनिधियों से उठा चुके हैं, लिखित माध्यम से तो नहीं, आपसी तौर पर कई बार बोला है। तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या काम नहीं किया गया? आपको क्या बताएं, या तो उस मोहल्ले की कमी माने, या यहाँ की लोगों की कमी, या जनप्रतिनिधियों की, आखिर कमी किसकी मानी जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी बानपुर को ये झेलना पड़ता है कि भाई बताइए यार, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा गांव और स्थिति ये, तो हम लोगों को अपने आप में सोच के ऐसे लगता है कि इतने दूर से लोग आते हैं और गंदगी से गुजरना पड़ता है, ये निश्चित ही तौर पे कहेंगे बहुत ही हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हम आपको बता दें कि जहां पर हम बानपुर से अजय पार धाम की ओर आगे बढ़े तो वहीं पर गंदगी का अंबार देखने को मिला। पूरे रास्ते होते हुए जहां पर आए तो गंदगी के अंबार के साथ आए और वहीं पर घाट की स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है जहां पर गंदगी का अंबार है और विश्व चमत्कारी पानी के लिए कई प्रांतों के किसान जहां पर पानी को लेने के लिए आते हैं और वहीं पर यहां के जनप्रतिनिधियों का बात करें तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस धाम और इस चमत्कारी पानी की तरफ नहीं दिख रहा है और धाम की स्थिति गंदी युक्त बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या जनप्रतिनिधि इस धाम की स्वच्छता के लिए कोई कदम उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, यह भी देखने के लिए बनी रही है। फिलहाल बानपुर की जनता में जहां पर क्रोध है और क्रोध के साथ यहां की स्वच्छता की
मांग कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से। मैंने आपको चमत्कारी धाम और चमत्कारी पानी से आमना सामना कराया। अब हमारे साथ है प्रेमादास जी महाराज, जिन्हें मौनी महाराज से भी जानते हैं। वो हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या है रहस्य जहाँ पर चमत्कारी पानी का और कब से यहाँ पर रह रहे हैं। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत। नमस्ते, सीताराम। श्री अजय पार धाम की जय। यहाँ पर श्री अजय पार बाबा की कृपा बहुत दूर दूर तक फैल रही है और किसान लोग जल लेने के लिए आते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और ज़्यादातर लोग खेती के लिए और जो बैखरा हो जाता है गईयों को ढोरों को, उनके लिए जल लेने के लिए आते हैं और बब्बा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा पंडित जी, कहाँ कहाँ से लोग अभी तक आए हुए हैं और कितने प्रांतों से लोग आते हैं यहाँ? जी, यहाँ पर 100 किलोमीटर के आसपास ललितपुर, ये छतरपुर और झांसी के आसपास के बहुत दूर दूर के लोग, दिन पे दिन जनता यहाँ पे बढ़ रही है। अच्छा, कौन कौन से दिन यहाँ पर आते हैं? इतवार, बुधवार और शनिवार, मंगलवार, 4 दिन लोग आते हैं। और ये जब ये खेती वगैरह जब बोई जाती है उस टाइम पे ज्यादा यहाँ पर मेला लगता है। अच्छा, तो इस पे पानी को ले जाकर क्या करते हैं वो लोग? जी, यहाँ पर बब्बा के चरणों में चढ़ा करके उस चरणामृत को ले जाते हैं और खेत के 3 कोनों पे छिड़कने से खेत की ये सबरी इल्ली म्याऊं दूर होती है। ऐसी अजय पार बब्बा की कृपा है, जो कि चमत्कार हमने खुद देखे हैं यहाँ पर, कई चमत्कार देखे। पंडित जी, जैसे जहाँ पर 3 कोनों की आपने बात की, तो हमारा यहाँ पर 4 कोने होते हैं किसी खेत के, तो 3 कोने में कौन कौन से स्थान पर आप रखने के लिए, जल छिड़कने के लिए कहते हैं? वो तो भाव है, यहाँ पर लोग भाव से आते हैं, उस जल को ले जाते हैं। तो शुरू से ऐसी परंपरा चली आई है कि वो लोग 3 कोने छोड़ते हैं। ऐसी मान्यता के 1 कोना छोड़ दो तो बब्बा उसको मारते नहीं है, भगा देते हैं। तो 1 कोने से वो भाग जाती है, इल्ली म्याऊं जो भी रोग हो खेत का या ढोर बछैयों को जो भी रोग हो वो भाग जाता है। अच्छा, वहीं पर इस धाम के हम आप चमत्कारी रहस्य के साथ साथ उस समय को भी जानना चाहेंगे कि जिस समय में जब आप यहाँ आए, तो जैसा कि लोगों के श्रद्धालुओं के द्वारा कहा गया कि आप मौन व्रत मौन थे, मौनों कराए जी। हम यहाँ पर बचपन में हम कुंभ के मेला में खो गए थे जी, तो ऐसे ही अनाथों की तरह यहाँ पर आ गई थी। तो अजय पार बब्बा की छाया मिली और यहाँ पर एक बूढ़े महाराज थे, उन्हीं की छाया में हम बड़े हुए। और जब हमने मौन धारण कर रखा था, जो कि 12 साल मौन व्रत धारण हमारा चला अजय पार बब्बा की कृपा से, और जब हमारे बूढ़े महाराज का गोलोक वास हो गया तो सभी लोगों की इच्छा हुई कि मौन धारण अब खोल दिया जाए, और उन्हीं की कृपा से मौन धारण खुल गया। नहीं तो बहुत से लोगों की क्या जीव चिपक जाती है, लेकिन उनकी कृपा ऐसी हुई कि हमारा मौन धारण भी खुल गया और जीवन भी काफी समर गया, ज्ञान भी उनकी कृपा से काफी प्राप्त हुआ। अच्छा, वहीं पर मंदिर की बात करें तो जहाँ पर हनुमान जी का जहाँ पर मंदिर है, तो वहीं पे आपकी सेवा भाव भी रहती है और वहीं पर श्रद्धालुओं का आना रहता है, तो क्या आपको माहौल दिखता है फिर यहाँ पर? यहाँ पर एक भावपूर्ण माहौल है जी जी। किसान लोग आते हैं, दाल गकैया बनाते हैं और बड़े भाव से जल चढ़ा करके बब्बा के चरणों में और ले जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमने खुद अजमा के ये चीजें देखी हैं कि हमारी खुद की भी मनोकामना कई पूर्ण हुई है। अच्छा, वहीं पर इस धाम से बानपुर से या इस धाम की ओर आने पर जहाँ पर हम रास्ते से होकर गुजरे, जहाँ पर गंदगी का अंबार नजर में आया, तो कभी आपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से इस बारे में बात नहीं की क्या? जी, ये क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र है तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं रोड भी डल रहा है। यहाँ पर लोग खचते हुए आते थे, इतनी भावना उनकी के मोटरसाइकिल को ऐसे उठा उठा के ले जा रहे हैं, फिर भी जनता आना बंद नहीं हुई। तो अब धीरे धीरे क्या, ग्रामीण क्षेत्र है तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हम काफी जागरूक करने का लोगों को काम कर रहे हैं और जितने भी ये नेता लोग हैं उनसे भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा विकास होना है, तो वो भी काफी ध्यान दे रहे हैं इस चीज की ओर। जी जी, यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर पंडित जी ने साफ साफ बताया कि जहाँ पर चमत्कारी पानी का क्या रहस्य है, और साथ साथ में जनप्रतिनिधियों से भी जहाँ पर कहा हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ से आने वाले रास्ते को साफ सुथरा करवाएं। यह था पंडित जी के साथ हमारा माहौल। वहीं पर हम जनप्रतिनिधियों से भी आपको आमना सामना कराएंगे और जानेंगे क्या है उनका कहना। अजय पार धाम जहाँ पर चमत्कारी पानी के साथ हमने आपको जहाँ पर महंत जी से मिलाया, अब हम आपको लेके चलते हैं पूर्व प्रधान जी के पास, उनसे भी जानते हैं क्या है चमत्कारी पानी का रहस्य। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, सबसे पहले तो सी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को
और उनके जितने भी संचालक हैं उनके लिए हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्षेत्र में जहाँ पर चमत्कारी पानी है, कई प्रांतों से जहाँ पर आते हैं लोग और यहाँ चमत्कारी पानी को ले जाते हैं अपने खेत में, जहाँ पर पानी के छिड़काव करने के बाद कई कीटों से मुक्ति पाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से हरे का हरी नाम। और जब लोग बाग इस तरह की महामारियों से घिरते हैं, चाहे वह फसल में कीट लगने की बात हो, चाहे गौशालाओं में बैखरा जैसा रोग, खुरपका या मुहपका ऐसी स्थिति आती हो, तो उस समय लोग अजयपार धाम जाते हैं। और चमत्कार वहाँ की नदी के पानी में नहीं है, जो वह कुंड में पानी है उसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार है जो मूर्ति है, वह अजयपार बाबा की जो मूर्ति है उसमें चमत्कार है। और वहीं से जो जल लेकर के उस मूर्ति से चढ़ा करके और फिर जो लेके घर आया जाता है, तो ऐसी मान्यता नहीं बल्कि प्रमाण भी है। और कम से कम 200 से 250 किलोमीटर के आसपास सराउंडिंग एरिया में लोग बागों तक यह ख्याति है और लोग बाग यहाँ तक आते हैं। आने के बाद वह जल ले जाते हैं और उनके लिए बहुत फायदा होता है। मैं एक बहुत छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण जो मैंने स्वयं देखा वह संस्मरण जरूर दूंगा, क्योंकि इस गांव का प्रधान रहते हुए कोरोना का बीभत्स रूप भी मैंने देखा है और पूरी दुनिया ने देखा। 2020 की बात करें तो कोरोना, मैं 21 की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात, 20 की बात कर रहा हूँ जो पहला लॉकडाउन लगा था। तो उसमें मेरे अंदर एक भावना आई, मैंने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा एक काम करो, एक कम से कम 4-5 जो पीपे होते हैं, हमने कहा उसका जल ले आओ वहाँ अजयपार बाबा का, हाँ, और एक राउंड में एक प्रतीकात्मक बांधपुर बनाएंगे अपन। जी जी। उसको बनाया गया जी। तो मैं डेली स्नान करके बाहर निकलूं और अजयपार धाम का जल लेकर के उस प्रतीकात्मक बांधपुर के चारों तरफ में छिड़काव करूं और उसके बाद उनसे प्रार्थना करूं, प्रार्थना करने के बाद अपनी दिनचर्या प्रारंभ करूं। तो आप विश्वास मानेंगे, बांधपुर जैसे बड़े गांव में जब 79 मौत टीकमगढ़ में हो चुकी थी और लगभग 30-35 मौत आपके ललितपुर में हो चुकी थी, महरौनी में भी काफी रोगों से घिरा था, उस समय तक बांधपुर में एक भी केस कोरोना का नहीं आया, यानी कोई भी पॉजिटिव केस यहाँ पर नहीं आया। जो ये पत्रकार साथी जो हमारे यहाँ पर हैं, वो इस बात की ताकीद कर सकते हैं, एक मौत हुई थी लेकिन उसकी वजह एग्जैक्ट कोरोना नहीं थी। जी जी। तो डेली 2020 और 21 की बात करें तो आपके द्वारा पूरे बांधपुर की चारों तरफ जहां पर अजयपार धाम का पानी छिड़क दिया, यह रहस्य मैं आपके सामने इसलिए भी खोलना उचित समझता हूं क्योंकि हम श्रद्धालु हैं और हमारा जो विश्वास है वह ऐसे स्थानों पर रहता है और होना भी चाहिए। अगर मानवता को किसी चीज से फायदा हो रहा है या लाभ हो रहा है तो हमें वह सब प्रक्रियाएं करनी चाहिए, वह सभी प्रक्रम करना चाहिए जिससे हम अपनी जनता को बचा सके या मानवता को बचा सके। अच्छा, वहीं पर चमत्कारी पानी का आपने खुद जीता जागता प्रमाण जहां आपके पास है और वहीं पर वहां के पहुंचने का रास्ता जो कि दुर्गम है और साथ साथ में गंदगी युक्त है, तो क्या इस पर आपका विचार है, आपका ध्यान नहीं गया? मैं निश्चित रूप से मेरा ध्यान गया है, लेकिन ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती, उसको जिला पंचायत या PWD से किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में लगभग 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का रोड बनाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, यद्यपि वो मेरी ग्राम पंचायत के मौजे में आता है और मेरी सीमा में भी आता है, देवस्थान तो कम से कम ग्राम पंचायत की सीमा में आता है, लेकिन इतना बजट नहीं होता है कि डामरीकरण या वहां तक RCC रोड हम उसके लिए भेज सकें। तो अभी जब हमारे मित्र डॉक्टर आशीष रावत को हम लोगों ने चुना, उनके सामने हम रखी इस बात के लिए कि आपको वहां तक का रोड करना है, वो सैंक्शन हो भी चुका है और बहुत जल्दी आप एक नए रोड पर होते हुए अजयपार धाम के दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, वहीं पर अभी जो रोड हम देखने के गए तो वहां से वहां तक गए तो रोड तो डल गई है लेकिन गंदगी युक्त है वो, क्या आपके द्वारा जनप्रतिनिधि और ये बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहे हैं आप। जिस समय मैं इस गांव को देख रहा था तो उस समय जो बिल्कुल शुरुआत जैसे ही अंदर को अपन दाखिल होते हैं तो वहाँ
अब स्वच्छता अभियान बहुत जोरों से चला, आज भी बानपुर में उसका असर दिख रहा है और मेरे बाद आए हुए प्रतिनिधियों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ एरियाज होते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र होते हैं, जिसमें लोग बागों को नहीं मानने की आदत होती है। एक स्कूल के पास एक पॉइंट है कचड़े का, लेकिन लोग बाग शायद उसको नहीं मानते हैं या बहुत वो तो वहाँ डेली वहाँ कचरा फेंक देते हैं, जबकि वर्तमान ग्राम प्रधान श्री काशीराम रजक लगातार प्रयास कर रहे हैं वहाँ लोगों को समझाने का, नहीं मान रहे हैं। अगर आपके पास समय है जी, तो एक रोचक किस्सा अजयपार धाम से और जुड़ा हुआ है कि अजयपार धाम माने कब से यहाँ पर ऐसा चमत्कार हो रहा है और कैसे ये मान्यता बनी या कैसे अजयपाल जी का यहाँ आना हुआ, उसके बारे में भी अगर आपके अंदर कोई और इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं तो पहले आप प्रश्न ले लीजिएगा, फिर इसके बाद वह रोचक संस्मरण जो मैंने पढ़ा है जी। क्या आपको रोचक संस्मरण पढ़ा है, क्योंकि अजयपाल धाम में हम होके आए, वहाँ पर पुजारी से भी बात की और उनके द्वारा ही बताया गया कि जब हम छोटे थे तो मौन में रहकर जहाँ पर हम यहाँ पर आए हुए थे वही 12 साल तक हम मौन व्रत रहे थे। ये तो रही उनकी पुजारी जी की बात के उन्होंने व्यक्तिगत बताया जी। बाकी अजयपाल धाम का यह चमत्कार सदियों से हो रहा है, दशकों से नहीं सदियों से हो रहा है। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जी, और वह जब आए वहां से अरब से या जहां उनकी सल्तनत थी, और एक अजयपाल का स्थान अजमेर अजमेर के पास भी है, अगर आप लोगों ने खोजा हो जी, तो वहां चूंकि इसमें चमत्कारी शक्तियों में या तांत्रिक शक्तियों में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का भी कोई जवाब नहीं था और अजयपाल जी का भी कोई जवाब नहीं था, इनमें तंत्र मंत्र का युद्ध हुआ, तंत्र मंत्र का युद्ध हुआ। तो ये लगातार उस तंत्र मंत्र की युद्ध में उलझे रहे और करीब 2-4-5 माह या पूरे वर्ष यह तांत्रिक युद्ध चलता रहा। आखिरकार ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के सामने अजयपाल जी की हार हो जाती है। तो उन्होंने उनसे कहा कि बाबा अब मेरे लिए क्या आदेश है, चूंकि हम डायरेक्ट हमने खून तो बहाया नहीं है या कोई ऐसे काम तो हमने किए नहीं है, तो अब लेकिन आपकी दास्ता में आ गए, आपने मुझे हराया। तो उन्होंने फिर कहा कि जाओ एक जमलार और जामनी जो पवित्र नदियां हैं, एक जंगली प्रदेश है, ये उस समय ये जजोत प्रदेश कहलाता था, बुंदेलखंड नहीं था जी जी। तो बोले जाओ जजोत प्रदेश में इस तरह से, और दो नदियों के संगम पर एक स्थान है, बड़ा स्थान है, वहां लोग बाग अक्सर भटक जाया करते हैं, तो भटकों को आप राह दिखाना। तो पहले मान्यता वहां ये रही कि भटकों को राह दिखाई जाए, और इसके बाद फिर जब वह समाधिस्थ हुए होंगे या जो भी, तो उनका मंदिर लोगों ने वहां पर बनाया, मूर्ति भी रखी, और मूर्ति का प्रमाण यह है कि इल्ली है, कीट है, टिड्डी दल का हमला हो। बानपुर में आप ये मान के चलिए, कुछ और देव स्थानों की भी कृपा है, अजयपार धाम की कृपा है कि बानपुर में मेरे होश में बहुत छोटा ओला गिरा हो तो गिरा हो, कभी कोई बड़ी ओला वृष्टि नहीं हुई, या वृष्टि नहीं हुई है। हाँ हाँ, बहुत बड़े बड़े ओले आसपास से निकल जाते हैं लेकिन बानपुर की सीमा में कभी नहीं होते हैं। ये भी चमत्कार है, उस जल का चमत्कार है, और जिस चीज से मानवता को लाभ हो रहा है निश्चित रूप से हमें उनके प्रति भक्तिभाव रखना ही चाहिए और श्रद्धालु होना चाहिए। जमाना कुछ भी कहे, विज्ञान कुछ भी कहे, ऐसे तो अगर हम ये कहें कि इस पर संदेह उस पर संदेह, तो निश्चित मानिए कि फिर हम अपनी परंपराओं से बाहर हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधान जहाँ से हमने जिन्हें हमने आपसे आमने सामना कराया और अजयपार धाम के रहस्य और चमत्कारी पानी के बारे में जाना, जहाँ पर आपको बता दें कि भारत चमत्कार का देश है और वहीं पर बानपुर से कुल 5 किलोमीटर अजयपार धाम, अजयपार धाम का चमत्कारी माहौल, जिस माहौल से आपको आमना सामना कराया, और भी जगह लेके चलेंगे और जानेंगे क्या है ललितपुर के अद्भुत माहौल के साथ चमत्कारी माहौल। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।